अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे मोबीक्विक के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोबीक्विक एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है जैसे फोनपे या पेटीएम। एक्चुअली हुआ यह है कि फरवरी मंथ के एंड से ही मोबीक्विक यूजर्स में काफी कंसर्न है, क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं जिन्होंने डार्क वेब पे मोबीक्विक यूजर्स के डाटा को सेल के लिए अवेलेबल देखा है। इनिशियली मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि इतने ज्यादा यूजर्स का डाटा अवेलेबल है सेल के लिए, बट करीबन 10 करोड़ यूजर्स का डाटा। बट अभी तक मोबीक्विक ने इस पे साफ साफ डिनाई किया है कि मोबीक्विक सर्वर से कोई डाटा लीक नहीं हुआ है। बट अगर ये डाटा सच में लीक हुआ है तो ये अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा डाटा लीक होगा, 10 करोड़ यूजर्स का। तो चलिए इसी को डिटेल में देखते हैं कि मोबीक्विक का क्या कहना है और जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं और किसने इसे एक्सपोज किया है और जो है कौन सा हैकर है जिसने इस डाटा को सेल के लिए डार्क वेब पे डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोबीक्विक एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो कुछ सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं उन्होंने 3.5 मिलियन करीब 35 लाख यूजर्स का डाटा जो कि सेल के लिए अवेलेबल है डार्क वेब पे। और ये जो भी डाटा, ये काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे कि KYC डिटेल्स, फोन नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, अकाउंट डिटेल्स, ये सारे डाटा अवेलेबल है। आप सोच सकते हैं कि इन डाटा की हेल्प से कोई कैसे आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और कैसे आपका सारा पैसा निकाल सकता है। और मैं आपको यहाँ पे अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि डार्क वेब क्या होता है, तो आप ऐसा समझिए जैसे कि शहरों में चोर बाजार होते हैं जहाँ पे इलीगल सामान बेचा जाता है जैसे कि ड्रग्स। तो आप डार्क वेब भी ऐसा ही समझिए कि एक ऑनलाइन चोर बाजार है। और ये डार्क वेब और ये डीप वेब सब ये काफी न्यूज में आया था जब सुशांत सिंह राजपूत का केस में जब वो ड्रग्स वाला एंगल सामने आया था तब। और तो ऐसे ही डिटेल्स को वहां पे सेल के लिए डाला गया है और इन डिटेल्स का काफी गलत यूज किया जा सकता है। कई सारे यूजर्स ने लगातार रिपोर्ट किया है ट्विटर पे और बोला है कि ये देखिए जो हमारा डाटा है ये डार्क वेब पे अवेलेबल है। और अगर हम बात करें कि ये जो डाटा लीक है ये कैसे एक्सपोज हुआ और कब हुआ, तो ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं राजशेखर रजारी करके, इन्होंने सबसे पहले डाटा ये जो लीक है इसको रिपोर्ट किया था और इन्होंने RBI को भी लिखा था। और इनके अकॉर्डिंग करीबन 11 करोड़ इंडियंस का डाटा डार्क वेब पे अवेलेबल है, जैसे कि अनमास्क्ड का डिटेल, आपका लोकेशन, आपने कब कौन सा डिवाइस खरीदा, आपने किस डिवाइस पे लॉगिन किया है, ये सारी डिटेल्स अवेलेबल है। बट मोबीक्विक ने सीधा सीधा इस एक्विजिशन से डिनाई किया है। और मोबीक्विक ने ये भी ट्वीट किया है कि जो सो कॉल्ड सिक्योरिटी रिसर्चर है ये गलत रूमर्स फैला रहे हैं मोबीक्विक के रिगार्डिंग और इन पे वो क्विक एक्शन लेगी। और जैसे ही राजशेखर रजारी ने ट्वीट किया था उसके बाद कई सारे और भी जो सिक्योरिटी रिसर्चर हैं जैसे कि रॉबर्ट बैप्टिस्ट, इन्होंने भी कंफर्म किया इस लीक के न्यूज को। और एल्डरसन ने साफ साफ कहा कि ये जो लीक है ये लार्जेस्ट KYC लीक है इतिहास का। और यहाँ पे कई सारे वेरीफाइड यूजर्स हैं ट्विटर के जिन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि मोबीक्विक जो लीक हुआ डाटा ये रियल है, ये फेक नहीं है। इसके बाद जो मोबीक्विक के जो CEO हैं विपिन प्रीत सिंह, उनका कहना है कि ये जो डाटा लीक हुआ है, मानते हैं कि ये डाटा लीक हुआ है बट ये मोबीक्विक से ही डाटा लीक हुआ है, ये कैसे प्रूफ हो, इसका कोई एविडेंस नहीं है ये, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स होते हैं वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये किसी और प्लेटफॉर्म का भी डाटा लीक हो सकता है। बट यहाँ जो डाटा देखा गया है ये मैक्सिमम मोबीक्विक यूजर्स का ही मिला है इसलिए। और यहाँ पे कई सारे लोग जैसे एक निखिल पावा जी हैं, ये भी वेरीफाइड यूजर्स हैं और इनका डाटा देखा गया है कि इन्होंने 2013 में यूज किया था मोबीक्विक का और इनका डाटा अवेलेबल है डार्क वेब पे। इनके लिए अच्छी बात है कि इनका जो कार्ड था वो एक्सपायर हो चुका है और कार्ड डिटेल सारे एक्सपायर हो चुके हैं, बट ये डाटा लीक हुआ है और इसका ये एविडेंस भी है। अब देखते हैं कि किस टाइप का डाटा लीक हुआ है। करीबन 8 TB, मतलब 8 TB का जो डाटा है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है जैसे कि फोन नंबर, नेम, एड्रेस, पासवर्ड्स, GPS लोकेशन और जैसे कि मोबाइल डिवाइस, ये सारे डाटा लीक हुए हैं। और ये जो डाटा है ये मोबीक्विक के सर्वर से लीक हुआ है। और जो हैकर का नाम है वो है जॉर्डन डेवन, उसने इस डाटाबेस का जो लिंक है इसको PTI को यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को सेंड किया था और वो इस डाटा को सेल करना चाहता था। और ये जो हैकर है जॉर्डन डेवन, उसने मोबीक्विक के फाउंडर विपिन प्रीत सिंह और CEO उपासना काकू का भी डाटाबेस भेज दिया था, लेकिन अभी तक मोबीक्विक ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। मोबीक्विक का कहना है कि उन्होंने किसी अदर सिक्योरिटी ग्रुप से इस चीज की जांच करवाई है और उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला है डाटा लीक जैसी चीज। बट अगर आपको ऐसे डाटा लीक से बचना है तो जो आपके जो लॉग्स हैं उसको
कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहिए और अपने जो लॉगिन डिटेल्स हैं, जो पासवर्ड है, इन सबको कंटिन्यूसली चेंज करते रहिए, तो आप ऐसे डाटा लीक से बच सकते हैं। क्योंकि आजकल ये जो डाटा लीक के केसेज है ये काफी देखे जा रहे हैं, जैसे कि कुछ दिनों पहले पेटीएम में भी ये इशू था और जैसे बिग बास्केट, उनके यूजर्स का भी डाटा ब्रीच हुआ था। तो इसलिए बेटर रहे कि आप अपने जो लॉगिन डिटेल्स हैं इन सबको मॉनिटर करते रहिए, सबको कंटिन्यूसली चेंज करते रहिए। अब बात करते हैं कि आरबीआई इस पे क्या कर रही है अभी तक। तो आरबीआई ने कई सारे गाइडलाइंस इशू किए हैं जो कि 1 जून से लागू हो जाएंगे। और आरबीआई ने जैसे कि ये भी कहा है कि ओटीपी वाला जो सिस्टम है इसको भी बंद किया जा सकता है, क्योंकि अब ओटीपी को भी हैक किया जा रहा है और इसके जगह पे कोई और मेथड को यूज में लिया जाएगा। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि जो भी मोबीक्विक यूजर्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।